Hello viewers, welcome to e-test YouTube channel. Viewers, आज हम important general knowledge question से related part 6 video बनाने जा रहे हैं. इससे पहले हम 5 videos बना चुके हैं जो हमारे e-test channel पे मौजूद हैं और उनका link आपको description में भी मिल जाएगा. Viewers, जितने भी question हमने इस video में select किए हैं वो FPSC, PPSC, PTS, CTS, OTS वगैरह में मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ शेप्स में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए. चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कोर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी. पाकिस्तान आर्मी में कितने कोर्स हैं? पाकिस्तान आर्मी में टोटल 11 कोर्स हैं, जिनमें 2 कोर्स जो हैं वो कोर लेवल फॉर्मेशन है. उन कोर्स के नाम ये हैं. नंबर 1 मंगला कोर, जिसे 1958 में बनाया गया. मुल्तान कोर, जिसे 1968 में बनाया गया. लाहौर कोर, जिसे 1965 में. कराची 1975, रावलपिंडी 1975, पेशावर 1975, कोयटा 1985, गुजरावाला 1987, बहावलपुर 1988. और जो दो कोर्स जो हैं कोर लेवल फॉर्मेशन है, उनमें रावलपिंडी की एक कोर है जिसे 1990 में, और दूसरी रावलपिंडी की कोर जो है उसे 2000 में बनाया गया. क्वेश्चन नंबर 2, निशाने हैदर अवार्ड वाज स्टार्टेड इन. निशाने हैदर अवार्ड जो है ये 16 मार्च 1957 को शुरू किया गया और पहला निशाने हैदर अवार्ड जो है वो राजा मोहम्मद सरवर को दिया गया. इसके साथ आपको बताते चले, निशाने हैदर जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है. ये जिन लोगों को दिया गया उनके नाम दर्ज ज़ेल हैं, जिनमें राजा मोहम्मद सरवर, तुफैल मोहम्मद, राजा अजीज भट्टी, राशिद मिनहास, मोहम्मद अकरम, शब्बीर शरीफ, मोहम्मद हुसैन जंजोआ, कर्नल शेर खान और लालक जान शामिल हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कवर द प्रोटोन. प्रोटोन को किसने दरियाफ्त किया? प्रोटोन को गोल्डस्टाइन ने 1886 में दरियाफ्त किया. 1886 में गोल्डस्टाइन कैनाल रेज को दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहा था, जिसके नतीजे में प्रोटॉन दरियाफ्त हुआ. क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को सर विलियम क्रूक ने 1879 में डिस्कवर किया. चैडविक ने न्यूट्रॉन को 1932 में डिस्कवर किया. सर विलियम क्रूक ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया. ये दोनों क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ पेपर्स में अटेम्प्ट हुए हैं, अक्सर कैंडिडेट इसको मिक्सअप कर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस. न्यूक्लियर साइंस का जो फादर है उसे वो किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस कहा जाता है. एटम को तोड़ने का जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, पहला एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज आइसोटोप्स. द एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स. किसी भी आंसर के ऐसे एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, उसे आइसोटोप्स कहा जाता है. आइसोटोप जो हैं इनके इस्तेमालात बताए गए हैं, जिनमें रेडियोथेरेपी में आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है. ट्रेसर यानी कि किसी बीमारी को ढूंढने के लिए आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है. जियोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल यूजेस, इन यूजेस को ऐसे कहा जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉसिल्स या मुर्दा पौधों या जानवरों, पत्थरों वगैरह की उम्र का अंदाजा लगाने के लिए भी आइसोटॉप्स को इस्तेमाल किया जाता है. फॉर केमिकल रिएक्शन के लिए आइसोटॉप्स को इस्तेमाल किया जाता है. फॉर पावर जनरेशन के लिए आइसोटॉप्स को इस्तेमाल किया जाता है. पावर जनरेशन में आप यूं कह लें कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के जरिए बिजली पैदा करने के लिए आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है. जी नाज़रीन, इसके साथ ही अगर आपने हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके. क्वेश्चन नंबर 7,
हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल शेप फर्स्ट टाइम? पीरियोडिक टेबल जो है इसको सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, किसने यूज किया? सबसे पहले मेंडलीव ने 1869 में पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल किया, इसे मुतारफ करवाया। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था। पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा बताते चले। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप्स को, और लाइंस रोज जो हैं वो पीरियड्स को जाहिर करती हैं। लेटेस्ट जो पीरियोडिक टेबल है वो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियोडिक पीरियड्स पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन? द प्रोसेस इन विच वुड चेंज इन टू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ऐसा अमल जिसमें लकड़ी कोयले में चेंज हो जाती है, इस अमल को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा अक्सर पेपर में पूछा गया है कि वुड जो है वो कितने परसेंट उसमें कार्बन होता है। वुड में 40% कार्बन होता है। इसके अलावा कोल्स की 4 टाइप्स हैं, जिनमें पहले नंबर पे पीट है। पीट ये एक ऐसी टाइप है जिसमें 60% कार्बन होता है। ये कोयले की घटिया किस्म है, सबसे लो क्वालिटी है ये कोयले की, जिसे इसे फर्नेस में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी है लिग्नाइट, ये 70% कार्बन पर मुश्तमिल होती है। ये थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल होता है। ये एक नरम किस्म का कोयला होता है, सॉफ्ट कोयल कोल होता है ये। तीसरे नंबर पे है बिटुमिनस, ये 80% कार्बन पर मुश्तमिल होता है। ये कोयले की आम किस्म है जो अक्सर घरों में इस्तेमाल की जाती है। चौथे नंबर पे है एंथ्रासाइट, ये आला किस्म का कोयला होता है जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स? केमिकल बॉन्ड्स कितने किस्म के होते हैं? केमिकल बॉन्ड्स 3 किस्म के होते हैं। इसकी टाइप्स की तरफ जाने से पहले आप ये जान लें कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड इज एन एक्टिंग फोर्स, ये एक एक्टिंग फोर्स होती है जो एटम्स के दरमियान होती है। ये एटम्स को एक दूसरे से जोड़े रखती है, जिसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड शामिल हैं। आगे कोवेलेंट बॉन्ड जो इसकी दूसरी टाइप है, उसकी भी आगे 3 सब टाइप्स हैं, जिनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु स्टडीड द रिलेशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इन गैसेस? वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन है उसका मुताला किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने गैसेस के वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब भी होते हैं उनका ये मुताला 1962 में किया। इसका फार्मूला है के इज इक्वल टू वी पी। इसके अलावा जो रॉबर्ट बॉयल है, इसके फेमस होने की एक वजह यह भी थी कि इसने बॉयल्स लॉ जो है पेश किया। ये बॉयल्स लॉ गैसेस से रिलेटेड ला है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज चार्ल्स ला? चार्ल्स ला क्या है? V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये चार्ल्स ला है। ये चार्ल्स ने वॉल्यूम ऑफ गैसेस और टेम्परेचर का कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेस और टेम्परेचर जब ये कांस्टेंट प्रेशर पे इनका मुताला किया। ये मुताला ये चार्ल्स ने 1787 में किया। इसने 1802 में, काफी देर बाद 1802 में, इसने इस बात की वजाहत की कि जब गैसेस को हीट दी जाती है तो गैसेस फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन? डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ये दो रिएक्शन है, जिनमें डिफ्यूजन ये है, द मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। गैसेस के मिक्स होने का जो अमल है इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ये अमल गैसेस में बहुत ज्यादा होता है, जबकि इफ्यूजन जो है ये मॉलिक्यूल्स का, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी छोटी जगह से, किसी छोटे सुराख से गैसेस के मॉलिक्यूल के खारिज होने का अमल इफ्यूजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एलोट्रॉफी? एलोट्रॉफी क्या है? देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स नेचुरली इज कॉल्ड एलोट्रॉफी। कायनात में मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स, जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कुदरती तौर पे जो पाए जाते हैं, जो मुख्तलिफ शेप्स में मिलते हैं। होता वो एक एलिमेंट है लेकिन वो मुख्तलिफ शेप्स में मिलता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है या ओजोन वगैरह इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बाहमी ताल्लुक को बयान करती है या उसका मुताला किया जाता है इस ब्रांच में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन दैट अकर टू गेट ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका उलट है। द केमिकल रिएक्शन दैट अकर टू एमिट ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन पार्ट 7 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।